अगर आप सब लोग भी प्लास्टिक की बोतल जैसे कि मिरिंडा, थम्स अप, स्प्राइट, कोको कोला की बोतल्स का इस्तेमाल पानी पीने के लिए करते हैं तो ये बोतल्स आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। जानेंगे इसके पीछे की पूरी कहानी। बस आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जानकारियाँ, उपयोगी जानकारियाँ लाता रहता हूँ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्लास्टिक की बोतल्स में आखिर वो कौन सी चीज़ मिलती है जो कि कैंसर काउज करती है, और अगर प्लास्टिक की बोतल्स इतने ही खतरनाक हैं तो आखिर हमें कौन सी बॉटल्स पानी पीने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि स्कूल के इस फैसले से हम लोग खुश नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपका स्कूल मना कर रहा है इन प्लास्टिक बॉटल्स को लाने के लिए तो कहीं ना कहीं ये आपके भले की ही बात कर रही है, क्योंकि इन प्लास्टिक बॉटल्स में पानी इस्तेमाल करने से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी हो सकती है। दरअसल इन प्लास्टिक की बॉटल्स में दो खतरनाक केमिकल मिलते हैं, जिसमें से नंबर वन का नाम है डायोक्सिन और दूसरे का नाम है बिस्फिनॉल। ये दो ऐसे केमिकल हैं जो कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को बढ़ावा देती हैं। अगर आप 6 से 7 घंटे तक लगातार अपने पानी को इस प्लास्टिक बॉटल्स में रखते हैं तो ये जो दोनों केमिकल हैं बिस्फिनॉल और डायोक्सिन, ये आपके पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं और जब आप इसे पीते हैं तो आपके बॉडी में आकर के तरह तरह के बीमारियों का जन्म देते हैं। अगर आप सब लोग भी अपने डेली लाइफ में वाटर बॉटल का इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी को हमेशा पेट बॉटल्स यानी पॉलीइथाइलीन टेरेफ्टलेट टाइप ऑफ बॉटल्स, जो कि पॉलिस्टर का एक प्रोडक्ट है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये डेंजरस नहीं होते हैं। तो ये था स्पोर्ट फर्स्ट की तरफ से एक छोटी सी उपयोगी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।